नमस्ते सभी को। मेरी आवाज ठीक से आ रही है बिल्कुल क्लियर है भैया। जी? हिंदी में हम लोग सत्र शुरू करते हैं। तो अभ्यास एक हम लोग कर रहे हैं। अभ्यास एक में स्वयं द्वारा स्वयं को देखना, यानी चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। और इसमें क्रमशः अभ्यास एक के स्टेप वन से शुरू करते हुए हम लोग सेवेंथ स्टेप पे आ गए हैं। उसको ब्रीफली अगर रिकैप कर ले तो स्टेप वन पे हमने अपनी कल्पनाशीलता के प्रति और उसमें मुख्य रूप से अपने भाव के प्रति सजग होने का अभ्यास किया। बिना रोके, बिना बदले, बिना प्रतिक्रिया के, बिना मूल्यांकन किए, जैसा है वैसा देखा। और ये दिखता है अपने को कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, सजग हो पाना भाव के प्रति। जनरली ये होता है कि हम विचारों में बह जाते हैं या देखना शुरू करते हैं तो अधिक विचार को देख पाते हैं और भाव हमको स्पष्ट रूप से दिख नहीं पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्टेप टू में हमने मूल्यांकन किया और देखा कि मेरा भाव मुझे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। स्टेप थ्री में हमने देखा कि इस भाव के साथ जो मेरी स्थिति है वो सुखद है कि नहीं। स्टेप फोर में हमने जांचा इस बात को कि मेरे भाव का निर्णय कौन ले रहा है, मैं स्वयं या बाहर की कोई परिस्थिति या कोई अन्य व्यक्ति। तो दिखता है मैं स्वयं ही निर्णय ले रहा हूँ। तो इसी एक तो निष्कर्ष निकला कि मुझे अपने ऊपर काम करना है। यदि मेरा भाव, जो मेरा निर्णय है, से मेरी स्थिति सुखद नहीं है। दूसरा, ये जो दूसरों पे मैं जिम्मेदारी डालकर शिकायत से भरता था, अब मैं उससे मुक्त होने लगता हूँ। तो ये दूसरों के शिकायत से मैं मुक्त हो पाता हूँ। कहते हैं ना कि अभी समान रूप से हम कल्पनाशीलता को देखने जाते हैं तो उसमें अतीत की पीड़ा, वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता, ये तीन चीजें ही समान रूप से दिखाई देती हैं। और इन तीनों में कहीं ना कहीं हमारे अंदर शिकायत बना रहता है। अतीत में कुछ घटनाएं हुई उसको लेकर शिकायत है, वर्तमान में कुछ हो रहा है उसको लेकर शिकायत है, भविष्य में क्या ना हो जाए उसको लेकर घबराहट है, शिकायत है। तो इस तरह के चीजों से हम निकल पाते हैं और तब ज्यादा ठीक से हम अपने ऊपर काम कर पाते हैं। स्टेप फाइव में हमने देखा कि जो मैं निर्णय ले रहा हूँ भाव का, उसका आधार क्या, समझ या मान्यता। तो दिखता है कि यदि मान्यता आधार में है तो मेरे भाव की कोई निश्चितता नहीं होती, मेरे सुख की कोई निश्चितता नहीं होती, निरंतरता तो नहीं होती। परंतु यदि समझ आधार होता है तो सुख की निश्चितता होती है, निरंतरता होती है। तो फिर इस बात को देखना शुरू किया कि समझ का मतलब क्या है, समझना होता क्या है, किसको समझ कहें। तो स्टेप सिक्स ए में फिर हमने अपने आप से पूछा कि मुझे कौन सा भाव सहज रूप से स्वीकार है, संबंध का या विरोध का। तो दिखता है संबंध का, व्यवस्था का या अव्यवस्था का, तो दिखता है व्यवस्था का, सहस्तित्व का या संघर्ष का, तो दिखता है सहस्तित्व का। इन सब बातों को अपने आप में जांचना है। ये शब्द हैं जो हम तक आ गए हैं, परंतु इसके अर्थ में जांच के देखना है। तो फिर सिक्स बी में ये निर्णय बनता है कि मुझे अपने अंदर संबंध का चिंतन करना है, व्यवस्था का बोध सुनिश्चित करना है, सहस्तित्व का अनुभव करना है। इतना हम लोग सिक्स बी तक निष्कर्ष निकाल पाए थे। फिर सेवन ए में अपने आप से हमने पूछा कि यदि मुझे यही भाव सहज रूप से स्वीकार होते हैं, यही क्रियाएं मुझ में जागृत होनी है, इसको सुनिश्चित करना है या नहीं। तो दिखता है कि हाँ, इसे सुनिश्चित करना है। तो मुझे अपने अंदर संबंध के भाव को सुनिश्चित करना है और उसको एक एक क्षण से शुरू करेंगे। व्यवस्था के भाव को सुनिश्चित करना है, सहस्तित्व के भाव को सुनिश्चित करना है, इस क्षण करना है, अगले क्षण करना है, हर क्षण करना है, ऐसा एक अपने अंदर निर्णय हो पाता है। फिर सेवन बी में इसको थोड़ा और फैला के देखते हैं तो दिखता है कि जितने भी निर्णय लेने हैं मुझे, अब इसी आधार पर लेने हैं, संबंध के भाव के साथ, व्यवस्था के भाव के साथ, सहस्तित्व के भाव के साथ। तो यही कुल करने का काम है। तो मेरे अंदर संबंध का चिंतन हो, व्यवस्था का बोध हो, सहस्तित्व का अनुभव हो, और उसके साथ कल्पनाशीलता में समाधान हो, उसी के साथ मेरा जीना हो, मेरे विचार में हर निर्णय इसी आधार पर हो, यही कुल करने का काम है। तो इसको हम लोगों ने कल डिस्कस भी किया था और
छोटा सा असाइनमेंट दिया था कि मुझे देखना है अपने अंदर इस बात को जांच कर कि क्या मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ। संबंध के भाव को स्थापित करने का मतलब कि कम से कम मेरे अंदर विश्वास का भाव स्थापित हो, दूसरे में विश्वास के भाव को स्थापित, मतलब दूसरे के प्रति विश्वास के भाव को स्थापित करने के लिए मतलब स्वयं के प्रति विश्वास स्थापित हो कि मैं तो दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ ना, या उसमें भी कुछ शंका है। तो इस बात को हम लोग अपने आप में देखने का अभ्यास करते रहे। इस अभ्यास के साथ यदि कोई प्रश्न बना हो, कोई बात ध्यान में आई हो, तो उसको अभी यहाँ शेयर कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं हम लोग। तो 6B में संबंध व्यवस्था और संस्कृति को समझ पाता हूँ, तो 7B में मैं सही भाव संबंध व्यवस्था और संस्कृति के पक्ष में निर्णय ले पाता हूँ, जिससे मैं आराम में रहता हूँ, संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। मैं यह भी देख पाता हूँ कि जब मैं संगीत संबंध और संस्कृति के संपूर्णता को समझता हूँ, तब मैं अपनी समझ के आधार पर सही भाव का निर्णय ले पाता हूँ। इस क्षण, अगले क्षण, हर क्षण मैं निरंतर सुखी रहता हूँ, हर क्षण सुखी रहता हूँ। तो मुझे अपने विकास के लिए संबंध व्यवस्था और संस्कृति की समझ एवं संबंध व्यवस्था और संस्कृति का भाव विचार स्वयं सुनिश्चित करना है। ऐसा करके ही मैं सुखी रह पाता हूँ, दूसरों के सुख का स्रोत भी बन पाता हूँ। जी, तो इस भाव को अपने आप में सुनिश्चित करने का मतलब हुआ, तो संबंध तो एक शब्द है, तो संबंध के भाव को लेकर हम लोगों ने बात किया था, चर्चा की थी, 9 भाव पे बात किए थे। तो उनका आधार दिखता है विश्वास का भाव, उसका आधार दिखता है यानी उसका अर्थ दिखता है कि मुझे दिख जाए कि दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है। वो तभी हो पाता है जब मैं अपने आप में ये चीज कम से कम देख पाता हूँ कि मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ। जी भाग्यशाली जी, जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। भैया जो ये एक्सरसाइज चल रही है अपनी, तो कल भी हम अपने आप से पूछते रहे क्वेश्चन। पहले तो हमने सोचा कि पहले घर के लोगों से ही शुरुआत करते हैं, तो वहां पे ऐसी स्थिति बनी जब पूछ रहे थे क्वेश्चन, कई बार तो आया कि हाँ करेंगे, और दूसरी बार जब थोड़े टाइम के बाद फिर से पूछने लगे क्या मैं यही चाहती हूँ, तो पता नहीं शायद मुझे ऐसे नोट हुआ कि उस टाइम पे मेरी ही स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, कुछ तो हम उलझे हुए थे या कुछ तो चल रहा था। इस वजह से फिर पहले तो मैंने हाँ बोला था, पर जब दूसरी बार पूछ रही थी तो वहां फिर क्वेश्चन मार्क बना रहा। तो मुझे ये थोड़ा सा ऑब्जर्व ऐसे, या पता नहीं भैया, कि मेरी स्थिति जब बनी रहती है आराम की, या जब मैं अच्छी स्थिति में रहती हूँ, तो वो जो आंसर है वो इमिडिएटली आ जाता है, बट मैं ही किसी कारण कुछ उलझी हुई हूँ, या किसी क्वेश्चन के मुझे आंसर नहीं मिल रहे हैं सही से, जिस जो भी कुछ उलझने बनी है उस टाइम पे अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो फिर थोड़ा क्वेश्चन मार्क बना रहता है, ऐसी कुछ स्थिति बनी रही भैया। जी जी ठीक बात है, सही ऑब्जर्वेशन है। क्या होता है, अभी जो हमारी स्थिति है, तो हम जब आराम में होते हैं तो अपनी सहस्वीकृति को ज्यादा आसानी से देख पाते हैं, परंतु कोई विषम परिस्थिति है या हम अपने आप में आराम में नहीं है, उलझन में है, तनाव में है, परेशानी में है, और वैसे में जब अपनी सहस्वीकृति को ध्यान देने जाते हैं तो उसकी ओर देखना थोड़ा कठिन मालूम देता है, क्योंकि वो जो हमारे अंदर आवेश बन गया है, उसका जो दबाव बन जाता है, उससे वो चीज थोड़ी ओझल होने लगती है, हमारा ध्यान नहीं जाता। पूछते भी हैं तो उसकी बहुत आवश्यकता नहीं लगती, या पूछने से और कई बार हो सकता है कि हम परेशान हो रहे हों, तो ये चीज अपने आप में ऑब्जर्व करना है। ठीक बात है, ठीक ऑब्जर्वेशन। तो इसको जब आराम में है तो ठीक से देख लें, है ना, अगर वहां पर भी ठीक से देख लेंगे तो जो हम परेशान होते हैं वो कम हो जाएगा, और फिर परेशानी के दौरान भी इसकी प्रायोरिटी तो दिखाई देगी कि यदि मैं अपने आप में परेशान हो रही हूँ या हो रहा हूँ तो मेरी समझ का भाव है, और फिर मुझे अपने आप में देखना तो है इस बात को, अल्टीमेटली मैं चाहता क्या हूँ। जी इसी के रिगार्डिंग भैया ना क्या हुआ, थोड़े दिन पहले जब भी मेरी आराम में स्थिति बनी थी
तो कॉलेज में भी हमने ये नोट किया कि मेरा मतलब ये रहता है बच्चों का थोड़ा काफी हम ऑब्जर्व करते हैं, हर एक एंगल से उनको ऑब्जर्व करते हैं, और जहाँ कहीं भी हमसे बन सके हम उनको गाइड करना वगैरह चलता रहता है। तो जब मेरी आराम में स्थिति बनी थी ना उस दिन, तो मैंने इतना बच्चों को काउंसलिंग किया, प्रैक्टिकल में भी बैठे थे ना, कुछ कुछ बच्चे काफी डिस्टर्ब लगते थे, तो उनको हमने फिर बुला के ऐसे वैसे थोड़ा गप्पे मार के उनको थोड़ा समझने की कोशिश की, और फिर उनको कहीं जहीं जहाँ कहीं भी थोड़ी समझ बढ़ा सकते हैं तो वो एक काम किया। और नेक्स्ट डे फिर हम ना काफी कुछ तो हम उलझे हुए थे, तो वही सेम फीलिंग नहीं आ रही थी, ये हम बीच में पूछने वाले थे बट वो हट गई थी बात, ये एक थोड़ा याद आया जी फिर कल जी के ठीक इससे। हाँ बात। भैया क्योंकि इसमें एक अच्छी बात तो ये होगी कि जब इतनी चीजों को हम अपने आप में ऑब्जर्व करेंगे तो मुझे अपने भाव के प्रति सजगता तो बनी रहेगी, और अपनी स्थिति के बारे में भी अवेयरनेस रहेगा कि मैं सुखद स्थिति में हूँ कि दुखद स्थिति में हूँ, आराम में हूँ उसमें बने रहना चाहता हूँ या परेशान हूँ उससे निकलना चाहता हूँ। उसके और आगे चल के फिर इसको भी देखेंगे कि सह स्वीकृति क्या है इस क्षण में। फिर ये भी अपने आप से प्रश्न करेंगे कि सह स्वीकृति होती क्या है। तो शब्द है सह स्वीकृति, इसका अर्थ क्या है, वह है क्या। ये अर्थ में जाना बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो शब्द रह जाते हैं हमारे पास है ना, उसको लेकर हम विश्लेषण करते रहते हैं, शब्दों को आपस में हम बैठाते रहते हैं परंतु अर्थ छूट जाता है। तो उसके अर्थ में जाना है, स्पष्ट रूप से देखना है। कि मेरी सहस्वीकृति है क्या, ये सहस्वीकृति होती क्या है, ये चाहना क्या है ना। और उसको थोड़ा ओपन रखें और देखें। जी वही, जब भी कभी उलझन बनती है ना, जब तक उसका मतलब हमारा एक कैसे है कि उसका सही आंसर नहीं मिलता ना, तो फिर मतलब, और यहाँ हम जुड़े हैं ना, उसके सही सही आंसर मिल रहे, तो एक थोड़ी कम वो एक सब उलझने स्टेबल होती जा रही है, और मतलब काफी अच्छा ये हो रहा है भैया, उलझने काफी जी जी हाँ सेटल हो रही है, वो एक है। भैया ये पूछना था एक क्वेश्चन की, देखिए ऑब्जर्वेशन तो करते हैं हम, एक दिन शर्मिला दीदी भी कह रहे थे प्योर ऑब्जर्वर की तरह देखिए, तो इसका क्या अर्थ है? प्योर ऑब्जर्वर का मतलब वही कि बीच में ना कोई शब्द हो, ना कोई मान्यता हो, ना कोई विचार हो, सीधा सीधा देखना। तो उस स्थिति में आने में समय लग सकता है क्योंकि बीच में हमारे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो वास्तविकता को जैसा है वैसा देखना है, मैं स्वयं को देख पाऊं जैसा है वैसा, शरीर को देख पाऊं, मेरे शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देख पाऊं, शून्य को देख पाऊं, शून्य में अपने को देख पाऊं, है ना। तो जैसा वैसा देखें। थैंक उसमें बीच में कोई है ना अलग से कोई विचार नहीं होगा, अलग से कोई मान्यता नहीं होगी, तो मैं दृष्टा के रूप में देख रहा हूं और जो वास्तविकता है वो दृश्य है। जी यू। वो है भैया, देखते टाइम ना मतलब अपनी आ जाती है मान्यताएं, वो भी दिख रही है अभी, पहले तो वो भी नहीं होता था कि बट थोड़ा सा कौन सी आई मान्यता या उस पे क्या काम करना है वो थोड़ा सा हम पकड़ेंगे इसको, या ठीक है आप जैसे कह रहे हैं थोड़ा देखते हैं इस बात को। जी जी ओके थैंक यू भैया। बढ़िया। दीदी एक मैसेज है कि अगर विरोधाभास है तो सहस्वीकृति नहीं है। ठीक बात है, क्योंकि विरोधाभास की सहस्वीकृति होती नहीं है। यदि विरोधाभास बना हुआ है तो जो भी मेरे अंदर भाव है, जो विचार चल रहा है, वो मेरी सहस्वीकृति तो नहीं है। बढ़िया। तो अपने भाव के प्रति सजग हो जाए, देखें कि इस क्षण जो भाव है वो सहज है या असहज, सुखद है या दुखद, इस भाव का निर्णय कौन ले रहा है, इसका आधार क्या है। अगर भाव असहज है तो समझ पर आधारित नहीं है। तो अपने आप से पूछ कर देखें कि क्या मैं इस क्षण अपने अंदर संबंध का भाव सुनिश्चित कर सकता हूँ, व्यवस्था का भाव सुनिश्चित कर सकता हूँ, सहस्तित्व का भाव सुनिश्चित कर सकता हूँ,
तो आप देख सकते हैं कि जब आपके अंदर संबंध का, व्यवस्था का, अस्तित्व का भाव होता है तो आप आराम में होते हैं, आपकी स्थिति सुखद होती है। यदि आप इस क्षण अपने अंदर संबंध, व्यवस्था और अस्तित्व का भाव सुनिश्चित कर सकते हैं तो आप हर क्षण अपने अंदर यह भाव सुनिश्चित कर सकते हैं, आप हर क्षण आराम में रह सकते हैं। ये काम है जो ऑनगोइंग काम है, ये करते ही रहना अपने आप। ये अभ्यास एक तो कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा, परंतु ये जो करने का काम है स्टेप 7 में, मेरे अंदर भाव सुनिश्चित हो जाए, सही भाव सुनिश्चित हो जाए, ये अपने अंदर हम करते रहेंगे। और आज के लिए देखें तो ये असाइनमेंट है कि हम किसी क्षण में बैठकर अपने अंदर ये भाव सुनिश्चित करें, संबंध का, व्यवस्था का, संबंध में भी किसी एक भाव को चुने, विश्वास का, उसके भी किसी एक भाव को चुने, कि मैं जो भी व्यक्ति मेरे विचार में आ रहे हैं उसको मैं सुखी करना चाहता हूँ, ये बात हमको अपने आप में दिखाई दे, फिर ये भी दिखाई देने लगेगा कि दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है। इनफैक्ट ये जो हम लोग कई बार वर्कशॉप में कहते हैं कि 2A का ही रोटेशन कर दे तो 4A हो जाता है, कि मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, ये मुझे अगर स्पष्ट रूप से दिखेगा तो मुझे तभी ये दिख पाएगा कि दूसरा भी मुझे सुखी करना चाहता है। मुझे अपने चाहने पर शंका होगी तो दूसरे की चाहने पर शंका होगी, अपने चाहने पर आश्वस्ति होगी तो दूसरे के चाहने पर आश्वस्ति हो सकती है। तो आज इसको जोड़ लीजिए, है ना, जिस भी व्यक्ति के बारे में भाव विचार बन रहा है, क्या मैं सुखी करना चाहता हूँ, क्या वो मुझे सुखी करना चाहता है, इन दोनों को ही आज हम देखें, है ना। और मेरे अंदर ये आश्वस्ति का भाव सुनिश्चित होना है कि हाँ, मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, दूसरा भी मुझे सुखी करना चाहता है, ये आश्वस्ति का भाव हमारे अंदर स्थापित हो। ये एक क्षण में हो, अगले क्षण में हो, है ना, दिन भर हो, हर क्षण हो, ये अपने आप में सुनिश्चित करना है। तो आज के लिए गृह कार्य रहेगा और इसको आज हम लोग करें और इसको हम लोग अपने आप में एक अभ्यास बना ले। आज सैटरडे है तो जहाँ भी आज डे ऑफ है, वर्किंग डे नहीं है, तो इसके लिए अलग से समय निकालें। और देखिए, हम सबको करना तो यही है और ये भी करना है, ये करना ही पड़ेगा, आज करें कल करें, क्योंकि इसी से समाधान है, सही भाव सुनिश्चित करने से ही समाधान है। और आप पाएंगे कि अगर मेरे अंदर ये भाव सुनिश्चित होने लगे तो हम जो खुद से अपने लिए समस्याएं क्रिएट करते रहते हैं उससे निकल पाते हैं। आप पाएंगे कि समस्याएं, एक तो ये दिखता है कि मुझ में जो अंदर में समस्या है कल्पनाशीलता में, वो तो पूरी तरह से मेरी जिम्मेदारी है। ये जो मैंने बाहर की परिस्थितियां भी बना ली है, ये भी मैंने अपनी नासमझी से ही ज्यादातर बनाई है। जिस तरह से हमने संबंधों का चयन किया है, जिस तरह से हमने आसपास की वस्तुओं का चयन किया है, जिस तरह का हमने वातावरण का चयन किया है, ये सब है तो मेरी जिम्मेदारी। उसमें उथल पुथल हो रहा है तो उसके लिए भी मैं किसी हद तक जिम्मेदार हूँ। मुझ में जो हो रहा है उसके लिए मैं 100% जिम्मेदार हूँ। बाहर भी जो हो रहा है उसके लिए मैं एक हद तक जिम्मेदार हूँ। तो अगर हम उसके मूल पे काम करें कि मेरे अंदर संबंध का भाव हो जाए, व्यवस्था का भाव हो जाए, तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं, परिस्थितियां बदलने लगती हैं, हमारा चुनाव बदलने लगता है परिस्थितियों में, परिस्थितियों के लिए। तो इस पे आज हम दिन भर काम करें, कल हम लोग इससे आगे चर्चा करेंगे। समय हो चला है, यहाँ रोक लेते हैं सत्र को। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।